क्या ठीक है मिश्रा जी की बात को यदि मान लीजिए चंद एक सेकंड के लिए मैं मान भी लूं, मिश्रा जी के साथ हो भी जाऊं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद तो आपने मेरे पास एक 19 है बेटों को टिकट देने मेरे पास एक 19 है समझ जाइए एक मिनट जाइए सर एक ऐसे तटस्थ पत्रकार को भी आप लोग सुने जिसने इमरजेंसी के दौर से लेकर के गठबंधन युग से लेकर के मौजूदा राजनीति को करीब से देखा है और समझा है उसे भी सुन लेते हैं। सोशल री इंजीनियरिंग आज की डेट में भारतीय पॉलिटिक्स में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई है, उसके पीछे रीजन है। इवन यूपी में सपा बसपा का गठबंधन सबसे बड़ा सोशल री इंजीनियरिंग का या सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण है। इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के लिए ही जातिगत आंकड़ों के लिए सोसाइटी को देखते हुए वोटर्स को देखते हुए ये हाथ मिला हुआ। सहज भाव से मैंने ये पूछा कि सीताराम केसरी याद आते हैं फिर ये नहीं याद आते, एक ही को जरूर याद आते होंगे। तारिक अहमद लारी जी उसके बाद आ रहा हूं, शूल सरीखे को सवाल है आपसे भी टिकटों को लेकर के, एक याद आते हैं आपको सीताराम केसरी भी आडवाणी जी के साथ? नहीं कि मुझे नहीं, भारत का हर एक वोटर हर एक प्रबुद्ध नागरिक को याद आते बिल्कुल आते हैं, और केवल सीताराम केसरी की ही बात नहीं है, छोटे मोटे जगहों पे भी देखेंगे आप तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ ऐसी घटनाएं जितने भी पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टी हैं जो दंभ भरते हैं आदर्शों का और इन सब चीज़ों का, ये चीज़ें दिखाती हैं। अभी हमारे देखिए भाजपा के मित्र थे, वो बोल रहे थे उनसे पूछा गया जी, उनसे ये भी पूछा गया कि आपके किसी परिवार के सदस्य को दे दें। भाई इतने ट्रांसपेरेंट आप हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिए होते ना, मुझे पता नहीं है कि आडवाणी जी ने ओपन प्रेस में जाके खुद ये डिक्लेयर नहीं किया कि भाई मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं थक गया हूँ, मेरी उम्र हो गई है, वाया वाया करके आ रही है। सर ये हमारे जो श्रीमान जी बैठे थे ये तो ऐसे बता रहे थे कि जैसे यही जाके आडवाणी जी से, और एक मुझे ये भी याद आ रहा है कि 2004 वाली हार के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पब्लिकली आकर के बोला था कि अब आगे से भारतीय जनता पार्टी का पैराडाइम शिफ्ट किस तरीके का। हाँ पूछिए ना, चाल चरित्र ट्रांसपेरेंसी मर्यादा इनकी बात करने वाले सर, दस उनका सम्मान आपको रखना था तो आप यही करते कि दो मिनट का उनको ओपन में टाइम दे दिए होते कि सर आकर के आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप अपनी इच्छा जाहिर करिए। खैर मैं इसकी बात नहीं करता हूं। देखिए राशिद है क्या, ये जितने लोग भी बोलते हैं ना कि हम सुधार ला रहे हैं सिस्टम में पॉलिटिक्स में, हमारी पार्टी ऐसी है, आप ये देखिए इतनी घटनाएं इतनी इंपॉर्टेंट घटनाएं हो रही हैं, कहीं से कोई नहीं है। जब तलवार अपनी गर्दन पे होता है ना तो वही परीक्षा की घड़ी होती है, दूसरों को उदाहरण देने के लिए नियम बताने के लिए। मैं एक उदाहरण और दूंगा नहीं तो हमारे कांग्रेस के मित्र नाराज हो जाएंगे और प्रवक्ता घोषित कर देंगे। मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द बोला था, उनको हटा दिया गया, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। एक शब्द बोला था हमारे डॉक्टर महेश शर्मा ने, क्या शब्द बोल दिया, अब बीजेपी ने इतना हल्ला मचाया था, आज क्यों नहीं बीजेपी हल्ला मचा रही है? सर कम से कम एक बार खंडन के लिए तो आप लोग हल्ला मचा दीजिए, या यही कर दीजिए कि भाई हम इनको टिकट नहीं देंगे, ये मर्यादा का हनन है। कमोबेश यही स्थिति समाजवादी पार्टी बसपा आरजेडी वगैरह सब जगह है, सारा खेल केवल चुनाव को जीतने का है, बाकी चीजें है जिसकी जो धार चल गई उन्होंने अपने एक से एक। देखिए मास्क करना एक बहुत बड़ी चीज होती है, सारी पार्टियां मास्क करने की कोशिश होती है। आडवाणी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि मैंने संन्यास लिया नहीं लिया, मुझे तो ये लगता है ना कि जब आदमी, देखिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है क्या, ये क्लियर कट मैसेज है बीजेपी को और उनके उनको कि भाई रहना है तो हमारे सिद्धांतों के हिसाब से रहो, नहीं तो एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। मुरली मनोहर जोशी जी क्या कम योग्य है, उनसे भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा सकते थे या हैं, चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मेरा सवाल यही है, वाया वाया क्यों बोल रहे हो, आप कौन हो जी, आप कौन हो बोलने वाले? हम तो तब मानेंगे जब खुद वो आडवाणी जी आकर के ओपन में बोले कि भाई मैंने बहुत सेवा कर ली देश की, मुझे विश्राम चाहिए। दयाशंकर दुबे जी जवाब देना चाहेंगे? मुझे लगता है मिश्रा जी का ये अपना विचार है और पार्टी हर चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके नहीं बोलती है, वो डे वन से जब जनसंघ हुआ करता था तब से उसके फाउंडर मेंबर के तौर पर रहे हैं और तब वो बट वृक्ष बढ़ा है। अच्छा मुझे लगता है सवाल मैंने कुछ और पूछा है, सवाल को भटकाइए मत। आपके दयाशंकर दुबे जी अंदरूनी तौर पर मैसेज पहुंचा दिया जाता है क्या? मिश्रा जी मुझे लगता है कि राजनीति में इतनी भी विश्लेषण नहीं होनी चाहिए कि अब उस पार्टी को अपना टिकट
कैसे देना है, अपने लोगों से कैसे बात करना है, उसके ऊपर हम लोग बैठ करके इस पर चर्चा करने लगे। कहने का मतलब सोचना ये है, सोचना ये है मिश्रा जी, मैं बताता मिश्रा जी सोचना ये है, सुनिए उनको निकाल दीजिए ना। कर्नल दयाशंकर दुबे जी, कर्नल दयाशंकर दुबे, नहीं नहीं दयाशंकर दुबे जी, दयाशंकर दुबे जी देखिए एक बात बताता हूँ, हम लोग तांत्रिक मुल्क में जी रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने आप को सबसे सक्सेसफुल पार्टी का नाम देती है और खिताब देती है, और जो यहाँ पर राज कर रही है उस पार्टी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है पब्लिक डोमेन में ये आना चाहिए और यकीनन आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक मुल्क में रह रहे हैं। सवाल ये पहला पॉइंट है सर, सुनिए पहला पॉइंट है सर, सुनिए, एक ऐसी शख्सियत जिसने जनसंघ को खड़ा किया, एक ऐसी शख्सियत जिसने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, एक ऐसी शख्सियत जो 6-6 बार गांधीनगर से चुनाव लड़ करके आए, जीत करके आए, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने शुरुआत राज्यसभा से की लेकिन लोकसभा चुनाव लगातार 6 बार जीता, एक ऐसी शख्सियत जो मुल्क के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और उन्हें लेकर के अगर सवाल खड़े होते हैं तो हम सवाल करेंगे और सवाल करना ही हमारा राजधर्म है और आपको जवाब देना पड़ेगा, ये आपका राजधर्म है सर। बिल्कुल, मेरा आपसे आग्रह ये है सर कि जो मिश्रा जी ने कहा, एक चीज को नजरअंदाज हम लोग ना करें कि एज 91 क्रॉस कर रही है। मेरा कहना यह है कि यदि किसी भी आम जीवन में भी दिनचर्या में देखिए तो इस उम्र के व्यक्ति की जो कार्य करने की थोड़ी सी होती है, जिसमें ज्यादा काम परिश्रम सब कुछ करना है, तो ऐसी यदि बात है और पार्टी ने इसमें लिया है, निश्चित तौर पर हमको इस फैसले का स्वागत पार्टी करती है। उन्होंने खुद इस पर कुछ नहीं कहा, ठीक है मिश्रा जी की बात को यदि मान लीजिए, चंद एक सेकंड के लिए मैं मान भी लूं, मिश्रा जी के साथ हो भी जाऊं, तो उन्होंने ये नहीं किया कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमारे जोश पार्टी के लिए, तो ये आडवाणी जी क्या इतने बीमार पड़ गए हैं कि 2 मिनट के लिए आके ओपन फोरम में ये नहीं बोल सकते हैं कि देशवासियों मेरा उम्र हो गई है और मैं अब नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, दूसरे लोग हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ सवाल ऐसे शायद उम्र के ऊपर चर्चा ना करें, लेकिन समय है जो वो आ सकते हैं, आएंगे अपनी बात। बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना कि समय के साथ में, कर्नल दयाशंकर दुबे जी भी मजबूरी वश दिल तक बात आ रही होगी, जबान तक शायद ना आ पाए, अलग हम हट करके ब्रेक में उनसे पूछ लेंगे, शायद जबान तक भी कुछ बातें उनके आ ही जाएंगी। देखिए मुस्कुरा भी रहे हैं मेरी बात सुन करके। देखिए तारिक जी बताइए, अपना स्ट्रेटजी, हम लोग अपनी स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं, हम लोग की अपने चीजें हैं, हम लोग अपना देखना है कैसे हम लोग मैक्सिमम हम लोग इन लोग को डिरेल कर सके सरकार बनाने से, ये सरकार तो बनने से रही यूपी से, तो यही असली काम है भैया, यही तो मसला ही है, और किस लिए चुनाव लड़ रहे हो आप, क्या घंटा बजाने के लिए लड़ रहे हो? कुछ कहना है, इतने घंटा बजाने के लिए लड़ रहे हो? आपको जीतना है कि वोट कटवा साबित होना है, आपको वोट काटने है, हम जीतेंगे, कुछ करना मैडम वसुंधरा राज सिंधिया जी के बेटे को टिकट देने का काम क्यों किया? डिरेल नहीं करेंगे, कल्याण सिंह करेंगे, कल्याण सिंह जी के बेटे राजवीर सिंह को टिकट देने का क्या काम किया? अगर आप भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद तो आपने, मेरे पास एक 19 है, बेटों को टिकट देने, मेरे पास एक 19 है, सब रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए सर, एक ऐसे तटस्थ पत्रकार को भी, एक ऐसे तटस्थ पत्रकार को भी आप लोग सुने जिसने इमरजेंसी के दौर से लेकर के गठबंधन युग से लेकर के मौजूदा राजनीति को करीब से देखा है और समझा है, उसे भी सुन लेते हैं। एक एक बात ही बताइएगा, 1952 से लेकर के अब तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, 16 लोकसभा चुनाव हुए हैं, एक ही बात कही जाती है उसमें कि दो शब्द काम करते हैं, पहला एक कोई यूफोरिया होता है और दूसरा कोई वेव होती है। अभी तक जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ है, जैसे 2014 में एक यूफोरिया और एक वेव सिर्फ एक नाम का, और वो थी मोदी वेव। क्या कोई ऐसा यूफोरिया या वेव अभी भी काम कर रही है? कोई अंडर करंट है ऐसे किसी यूफोरिया या वेव का? नहीं, अभी ऐसा नहीं है क्लियरली। राशिद, मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो वेव वगैरह चलती है ना, अंडर करंट वगैरह जो अदृश्य होती है, लेटेंट होती है, बड़े मुश्किल से पूरे इतिहास में अगर आप देखेंगे 4-5 बार ऐसा आया है। जैसे चक्र का जब निशान मिला था तो उस वक्त भी ये चला था और मोदी जी के साथ भी चला था। सवाल ये है कि अगर ये कोई वेव नहीं चल रही है, अभी तक क्रिएट नहीं हुई है,
तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए मंथन करने के लिए, तो जो रिजल्ट डिसाइड होंगे कौन हारेगा, कौन वेब अभी नहीं चली है, वेब शायद अब क्रिएट भी नहीं होगा, क्योंकि वेब क्रिएशन की जो फिलॉसफी होती है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बहुत पहले से शुरू हो जाता है। सवाल ये है, देखिए हम लोग बार बार पॉलिटिकल सोशल री इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, सोशल री इंजीनियरिंग आज की डेट में भारतीय पॉलिटिक्स में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई है, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है, किसी सीट पे सोशल री इंजीनियरिंग के जो पैरामीटर होते हैं, यानी जातिगत आंकड़े क्या है, कितने वोटर है, उस हिसाब से उसको मैनेज करना, ये सारी पार्टियां कर रही है। सारी पार्टियों का आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, जो अदला बदली हो रही है सबने इसी, इवन यूपी में सपा बसपा का गठबंधन सबसे बड़ा सोशल री इंजीनियरिंग का या सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण है। इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के लिए ही, जातिगत आंकड़ों के लिए, सोसाइटी को देखते हुए, वोटर्स को देखते हुए ये हाथ मिलाया हुआ है। अब सवाल ये आता है, तो फिर विनिंग फैक्टर क्या है? विनिंग फैक्टर है दो चीजें राशिद, देखिए एक होता है एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, इफिशियंसी आपकी, दूसरी होती है इन्फ्लुएंसिबिलिटी। अब कैंपेन थोड़ा चलने दीजिए, कौन गलतियां करता है, किसके कैंपेन कैसे होते हैं, कितनी तेजी से और कितना डीपली वो पेनेट्रेट करके उनके मनोभावों को, वोटरों के मनोभावों को, जनता के मनोभावों को वो प्रभावित कर सकते हैं, ये नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट स्टेप है सोशल इंजीनियरिंग से, जब आप आगे एडवांस लेवल पे बढ़िए इलेक्शन को मैनेज करने का और जीतने का। मुझे लगता है सारे दल इस चीज के लिए भी तैयार है, और यही देखना दिलचस्प होगा कि माइक्रो लेवल पे अब की बार कैसे, सोशल पैरामीटर पे तो सबने बराबर अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया टिकट दे करके, ये बात यही खत्म होगी।